बनती है। चौका लगाकर बाउंड्री के साथ और जो एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे कामरान गुलाम, ओहो, और दूसरा जो छोड़ता है वो कामरान गुलाम ने संभाल लिया। और इन्होंने कहा यार आज बताएंगे दुनिया को कि बाबर आजम के बिना भी ना पाकिस्तान का क्रिकेट चल सकता है। भाई कौन से ये लड़का जिसका नाम कामरान गुलाम है, ये आता है और पहले मैच में छा जाता है। पर बताया पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि हमारे मुल्क में टैलेंट खत्म नहीं हुआ है। आपने हाईलाइट्स देखी, पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो कामरान गुलाम ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। कामरान गुलाम जिनको पाकिस्तानी साबिक कप्तान बाबर आजम की जगह टीम में लाया गया था, उन्होंने अपने डेब्यू पे शानदार सेंचुरी जड़ दी है और भारत को और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और पूरा भारत भी इस पे हैरान है कि कैसे एक लड़का जो कि बाबर आजम की जगह आया और उसने पहले दिन छा गया। इस पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, आए आपको दिखाते हैं वीडियो में। सेंचुरी बनती है, ऐसे सेंचुरी बनती है, चौका लगाकर बाउंड्री के साथ और जो एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे कामरान गुलाम, ओहो, ये बताया है, स्टेटमेंट दिया है, एग्रेशन क्या होता है ये दिखाया है यहाँ पे, चौका लगा के यहाँ पर बताया पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि हमारे मुल्क में टैलेंट खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ क्योंकि कुंडली मारकर कुछ लोग जो हैं कब्जा करके बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट पे, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि 3 साल से यहां पर कोई जीत नहीं मिली टेस्ट मैच में। एक टेस्ट मैच घर पे पाकिस्तान ने नहीं जीता इन द लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन बाबर आजम को बाहर निकाल के ड्रॉप करके सिलेक्टर्स ने बहुत एक बोल्ड मूव करी, चूज बोल्ड मूव, और वो पे ऑफ कर गई वो मूव इतनी डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी। डेब्यू के ऊपर 29 साल के कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार दी और एक बहुत बड़ा झटका लगा है सारे के सारे बाबर आजम के हिमायतियों को, जो बोल रहे थे कि जी बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। बाबर आजम के लिए खुद के लिए अच्छा है भाई, अब प्रेशर पड़ेगा कि एक डेब्यूटेंट ने आके 100 मार दिया। बाबर आजम के 18 मैचों में, पिछली 18 इनिंग्स में एक 50 नहीं था, हाईएस्ट उसका 41 था, इसने ऑन डेब्यू 100 मार दिया। और यह फ्लैट ट्रैक नहीं है, पिछला ट्रैक तो बिल्कुल डेड ट्रैक था जहां पर 850 रन मार गई थी इंग्लैंड, ये तो मुश्किल पिच के ऊपर कामरान गुलाम ने 100 मार दिया भाई साहब। तो बाबर आजम को भी अंदर झांक के देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि अगर मुझे वापसी करनी है क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर, अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं पाकिस्तान को तो अपना बेस्ट दूं, अपने लिए ना बनाऊं, टीम के लिए बनाऊं। आज कामरान गुलाम ने जिस अग्रेशन से क्रिकेट खेली है ना, उसकी वजह से उसके रन बने, कहीं पर भी रुका नहीं, आप देख लीजिए, दबा नहीं, हमेशा रिस्क लिया, डाउन द ट्रैक आया बार बार, इतनी टर्न हो रही है बॉल, रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, बार बार डाउन द ट्रैक आके अटैक कर रहा है लीच को, बशीर को, इवन पॉट्स को, डाउन द ट्रैक आके चौके मार रहा है, चौके मारे, छक्का भी मारा डाउन द ट्रैक आके लीच को, और आराम से अपनी सेंचुरी पूरी करी। इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है, 102 नॉट आउट 192 बॉल्स में, स्ट्राइक आउट 53। और ये बाबर आजम को बहुत 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 बड़ा मैसेज जाता है कि भाई अपने मुल्क के लिए खेलना ना एक बहुत बड़ी इज्जत है आपके लिए, उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कि आपने सोच लिया मैं बहुत बड़ा नाम हो गया, मुझे तो कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता, नहीं, डेफिनेटली आप ड्रॉप होने चाहिए थे, इसीलिए आप ड्रॉप हुए। तो अगर अब आपको अपनी जगह वापस बनानी है तो आपको ये वाली क्वालिटी देनी पड़ेगी बैटिंग के लिए, कर सकते हो तो बात करना, विराट कोहली से कंपेयर करना, किसी के लिए भी आप कंपेयर कर दीजिए विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली ने सालों साल 17 साल राज करा वर्ल्ड क्रिकेट पे, कंसिस्टेंटली खेला है, ऐसा नहीं हुआ कि 18 इनिंग निकल गई जी 50 रन नहीं आए। सो सीखने वाली बात है कामरान गुलाम से भी बाबर आजम के लिए, एंड आई थिंक पाकिस्तान ने यहां पर दिखाया है अब डोमिनेट कर कि वो टेस्ट मैच में वापस आ सकते हैं, सीरीज में वापस आ सकते हैं, और बहुत चेंजेस कर दिए टेस्ट मैच में। आप देखेंगे सारे यंगस्टर्स ही अच्छा कर रहे हैं, सैम अयूब 77 मार गया, 100 रन मार गया कामरान गुलाम। तो आज बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया कामरान गुलाम ने बाबर आजम को कि हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता, चाहे उसका नाम बाबर आजम हो, चाहे उसका नाम XYZ हो, बहुत बड़ा भी इंसान हो चाहे। और ये गिफ्ट ऐसा दिया कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर बनेगा, बर्थडे बॉय को गिफ्ट दिया कि ओले ओले बाबर काली डाबली पहाली के नेवले ये ले, जे कोई शक नहीं करी मेरा स्कोर, अब चेक कर मेरा स्कोर, और जब तेरे में इतनी हिम्मत होना कि ये स्कोर मारे तब आइयो, जो डर के खेलता ना अपने लिए खेलता टुक टुक करके वो अब चलेगा नहीं। सो बाबर शुड बी ग्रेटफुल टू कामरान गुलाम कि भैया तूने मेरे को थोड़ा रास्ता दिखाया, आईना दिखाया कि अगर मैं डेब्यू पे आके मुश्किल पिच पे मार सकता ना 100, तो तेरे को 18 इनिंग होगी 50 नहीं मार रहा। और बिकॉज ऑफ बाबर आजम ही पाकिस्तान इतने साल से बर्बाद हुआ, बिकॉज 3 साल से उसने कोई ढंग का यंगस्टर नहीं आने दिया टीम के अंदर।
अपनी जगह ऐसी सेव करके रखी, टी20 में भी ओपन करूंगा जी, टेस्ट मैचेस में भी मैं नहीं छोड़ूंगा जी, शाहीन कप्तान बना था उसको पीठ में खंजर भोंक के मैं फिर से कप्तान बन जाऊंगा जी, सारे ड्रामे करे बाबर आजम ने, लेकिन फाइनली पीसीबी ने रियलाइज करा कि इसके बस की नहीं है परफॉर्मेंस, इसके बस की नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकता है, तो अब कॉन्सेंट्रेट करे अपनी बैटिंग के ऊपर, सीधी बात यही, और अगर है दम तो वापसी कर सकता है, वरना उसकी पोजीशन ऑलरेडी जा चुकी है। इस सेंचुरी के बाद तो कामरान गुलाम तो ड्रॉप नहीं होता, बिकॉज ये बहुत टफ पिच है, 19/2 पे आया था वो। कामरान गुलाम के 100 की वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अलाइव है बाय द वे, 102 रन, क्योंकि रिजवान भी आउट हो चुका था, वो तो अलग बात है इन्होंने अपील नहीं की, लेकिन कामरान गुलाम ने ये जो सेंचुरी मारी है, लेकिन ये लड़का जिसका नाम कामरान गुलाम है ये आता है और पहले मैच में छा जाता है, और ऐसा छाता है कि एक बोल्ड स्टेटमेंट जाता है कि गुरु क्रिकेट में नाम के स्टार नहीं होते, परफॉर्मेंस के स्टार होते हैं। जब बाबर आजम आए थे तो वो भी किसी को रिप्लेस करके आए थे, उनका भी जलवा चल रहा था क्योंकि कहीं रिप्लेस कर वो खेलने आए थे और फिर छाए थे, लेकिन अब वो नहीं चल रहे, और नहीं चलने पर स्टारडम गायब होता है। 30 साल के बाबर हो गए, फकर भाई ने विराट कोहली से कंपेयर कर दिया था, पीसीबी ने नोटिस थमा दिया कि तुम्हारी ऐसी तैसी, ससुर कुछ भी बोल दोगे तुम। हालांकि शाहिद अफरीदी मानते हैं बाबर भाई को हटा के ठीक किया गया, वो कहते हैं यार सेलेक्टर्स ने अच्छा किया, बाबर शाहीन नसीम को ब्रेक देना जरूरी था, ये तीनों ना काम के ना काज के थे। नासिर हुसैन थोड़ा अलग रखते रहे, वो कहते हैं यार इशू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का ही है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहां मैच हो रहा है, फॉरवर्ड प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट से गायब, अगला मैच कहां किसी को नहीं पता, थर्ड टेस्ट के बारे में यूज पिच पे मैच करवा रहे हैं। लेकिन बाबर भाई का करियर खतरे में इसलिए भी क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि बाबर भाई ने 656 दिन से कोई अर्धशतक नहीं मारा है, दिसंबर 2022 में आखिरी अर्धशतक लगाया था, शतक वतक तो भूल जाओ, और उसके बाद से लगातार फ्लॉप थे, 15-20, 5-15-45 यही चल रहा था। 18 टेस्ट इनिंग बाबर भाई ने 366 रन बनाए 20 के एवरेज से, कोई 50 नहीं, कैप्टेंसी से हटाए गए, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हटाया गया, छक्का चौका तो उनसे बल लगता ही नहीं था, टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हो गया, टी20 से भी अगर वो ड्रॉप हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। उधर कामरान भाई आए और आते ही 13th प्लेयर पाकिस्तान के डेब्यू पर शतक, नंबर 4 पर शतक, 19/2 था, और जब आउट होकर मैच